तीन क्वेश्चंस में एक हिस्सा तो आएगा जो मोड वाला पार्ट है। मैं अभी कुछ तो आपको क्वेश्चंस के सेक्शन हाईलाइट करा देता हूं जिन पर क्वेश्चन आने की संभावना है। 137 क्वेश्चन सेक्शन है इस टीपीए में। 137 में से 37 ही सेक्शन ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आने की संभावना 37 में से ही है, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है। मतलब दो तो हर हाल में 37 में से आएंगे, या तो तीन ही आते हैं तो एक कोई इधर उधर से भी डाल सकता है। तो वो कौन कौन से सेक्शन है वो मैं अभी आपके मार्क भी करा देता हूं। चलो एक बार सेक्शंस को इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो, सेक्शन इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो, ये आप उस पर मन डालो। आप इसको कैसे हाईलाइट करोगे? आप लिखो पीछे कहीं आपकी स्पेशल जगह हो टीपी का नोट्स वगैरह में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, वहां से नंबर लिखो आप सेक्शन का। आप अपनी कॉपी पे उस पर मत हाईलाइट करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पीछे कहीं एक जगह लिख लो। जैसे इसमें लिखो आप सबसे पहले सेक्शन 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 90 है? कौन सा 90 बता तो दिया है? 89, 89 तो आ रहा होगा ना। एक मिनट रुको, 81 लगाया ना, जैसे चलता चला गया तो माइंड में कहीं दूसरा एक्स शिफ्ट हो गया। नहीं 81 तक तो सही है, फिर आप आ जाओ 100, 80, 82 तो पहले लगवा दिया ना। हाँ 81, 82, बस हाँ 81, 82 तक, फिर उसके बाद नहीं है। 81, 82 है, उसके बाद फिर आप आ जाओ 100, फिर आप आ जाओ 105, 107, फिर 123, 122 भी, 122, 123 और 130। कितने सेक्शन हो गए? 28। कौन से रह गए? कोई रह गया इसका? अब दोबारा देखना, मैं उन्हीं को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ।